拜拜。वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है नवमी की मॉर्निंग में। नवमी की मॉर्निंग के ही दिन मेरे माँ पापा और भाई अपने घर वापस जा रहे थे, उनको अच्छे से बाय बाय किया और फिर उसके बाद ध्रुवी बहुत सैड हो गई थी, बहुत देर तक सैड रही क्योंकि वो ऑलरेडी अपने नानू नानी और मामा को बहुत मिस कर रही थी। घर एकदम खाली खाली हो गया था। माँ पापा को बाय करके आए वापस हम अपने घर, बिकॉज करनी थी नौमी की तैयारी। शाम को हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं आने वाली थी। 3-4 साल से मैं शाम को कन्या खिलाती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और शाम को वो खुशी खुशी आते हैं और आराम से खा के जाते हैं। मैं कन्याओं को शाम को हलवा पूरी चना एंड जलेबी और दही खिलाने वाली हूँ। आपके यहाँ नौमी पूजन में कन्याओं को क्या क्या खिलाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मम्मा भी हलवा पूरी चना और जलेबी खिलाते थे कन्याओं को, और वही मैं बचपन में खाती थी एंड वही मैं अपनी कन्याओं को भी खिलाती हूँ। फटाफट से छौंक लिए चने जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखे थे। चने छौंकते समय अगर आप उसमें एक टमाटर पीस के और एक चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे बाकी मसालों के साथ, तो सारे मसाले उन चनों में स्टिक हो जाते हैं और वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में मैंने बेली कुछ पूरियां पहले से ही तल के फ्राई करके कैसरोल में रख ली थी, बिकॉज बच्चे आते हैं ना तो एक साथ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है, तो पहले से तैयारी करके रखना ज़्यादा अच्छा है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हवन में बुलाया था। आज मैं इतने सालों से व्रत रख रही हूँ और पहली बार मैंने नौमी के बाद हवन किया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इस दोस्त के लिए। हवन करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे पूरे 9 दिन के व्रत पूरे हो गए, सफल हो गए। ध्रुवी ने भी फर्स्ट टाइम हवन किया और फिर उसके बाद हम सब ने साथ में करी आरती। और फिर घर आके किया हमने कन्या पूजन। ये है हमारी सबसे छोटी सी, सबसे प्यारी सी स्पेशल कन्या जो आज पहली बार कन्या पूजन में आई थी। बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है, उसने बहुत मज़े किए बच्चों के साथ, बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद सारी कन्याओं के पैर धोए, अच्छे से पोछे। सबके पैर इतने प्यारे लग रहे थे आलता लगे हुए। आलता हमारे वहाँ यूज़ नहीं होता है, हम नहीं लगाते हैं। बाकी जगह जहाँ इन्होंने कन्या खाई होगी वहाँ लगे थे। सबके पैर इतने सुंदर लग रहे थे आलते में। फिर उसके बाद हमने सबको तिलक लगाया और सब पे फूलों की बारिश करी। फूलों की बारिश से कन्याएं इस बार इतनी खुश हो गई थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया तो मैंने कर दिया, बट इन्होंने फिर उस फूल से बहुत मज़े किए, एक दूसरे को मार मार के खूब इंजॉय किया सभी बच्चों ने। और ये आरती में हमारी छोटी सी कन्या डर गई थी घंटी की आवाज़ से।
सभी ने बहुत अच्छे से भोग खाया, एकदम पेट भर के। बच्चे इस तरह से खाते हैं तो लगता है कि हाँ, आपने जो बनाया, आपने जो भोग चढ़ाया माँ को, जो आपने व्रत रखे वो देवी माँ ने सफल किए। पहले से पूरी रखने के बाद भी हमारी प्यारी कन्याओं को और लंगूरों को वेट करना पड़ा था पूरियों के लिए। फिर उसके बाद आई हमारी स्पेशल कन्या, जिनको मैं हर साल बुलाती हूँ, और मेरे लिए कोई एज मैटर नहीं करती कन्या पूजन के लिए। जो बड़ी कन्याएं हैं वो पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, अन्नपूर्णा माँ और काली माँ के ही रूप हैं। मैं सभी एज की कन्याओं को पूछती हूँ। कुछ लोगों के लिए एज मैटर करती होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग सारी ही देवियाँ, सारी ही कन्याएं, सारी ही लेडीज अलग अलग देवी के ही स्वरूप है। अब इसमें से एक कन्या हमारे वहाँ मिसिंग है, होपफुली वो नेक्स्ट ईयर इन दो कन्याओं के साथ वो भी आएंगी। कन्या पूजन करने के बाद और प्रसाद खाने के बाद हम निकल गए थे पंडाल माता के दर्शन के लिए। बहुत बारिश हो रही थी इसलिए हम बस एक ही माता रानी का पंडाल हम विजिट कर पाए। एक ही पंडाल विजिट करके इतना अच्छा मन हो गया था। होपफुली नेक्स्ट ईयर हम और बहुत सारे पंडाल विजिट कर पाएँ। और ये थी दशहरे की मॉर्निंग। हर साल दशहरे के दिन ही मैं बाहर गरीबों में खाना बांटने जाती हूँ, क्योंकि नौमी कुछ टाइम से मैं शाम को ही मनाती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर बहुत लेट हो जाता है मतलब, तो हम दशहरे के ही दिन ये काम करते हैं। हलवा मैं नौमी के दिन ही एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, जो कि मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, और चने दोबारा से छौंकती हूँ और लास्ट नौमी के थोड़े से चने उस पे मिक्स कर देते हैं ताकि वो पूरा माता रानी का भोग बन जाए, और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अच्छे से पैक करके। तो उसके लिए इस बार मैं ऐसे कार्टन के बॉक्सेस लेके आई थी, जो कि इजी हो गया था प्रसाद को पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। और दशहरे के दिन यहाँ महाराष्ट्र में आपको हर गाड़ी में माला लगी हुई मिलेगी, हर गाड़ी की पूजा करी जाती है, तो इसलिए हमने भी अपनी दोनों ही गाड़ियों की पूजा करी और उसमें माला लगाई। हमें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, थोड़ा अंधेरा और शाम हो गई थी, बट स्टिल सब ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। ये सब काम आप जितने भी कर लो वो कम ही लगते हैं, बट स्टिल जितना मैं बना पाई, जितना मैं कर पाई, उतना मैंने किया। इस छोटी सी चीज़ से इन सब की आंखों में जो खुशी देखने को मिलती है, जो सुकून और जो आशीर्वाद आपको मिलता है, मेरे अकॉर्डिंग वही सबसे अनमोल और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। होने को एक दिन के इस तरह से करने से कुछ नहीं होता, बट जो खुशी मिलती है उसका कोई मैच नहीं होता। उसके बाद गए थे हम मॉल, बिकॉज दशहरे के दिन से अपनी दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। वहाँ मिल गए थे हमारे कुछ फ्रेंड्स, एंड फिर उसके बाद हम आए थे रावण दहन देखने के लिए, जहाँ हमारी देवियों की विदाई हमने देखी, और फिर उसके बाद रावण दहन एंजॉय किया वो आप देखिए। Thank you.
इस रावण दहन के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और दुर्गा माँ से कामना करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर बनाए रखें। हम सब अपने परिवारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें और आगे आने वाले हर एक त्यौहार को खुशी खुशी सेलिब्रेट करें। यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के साथ किए हुए गरबा की कुछ क्लिप्स ऐड करी हैं। आई होप आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मोरे ही चले विसे, ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मोरे ही चले विसे, हे ही चले विसे। Oh, yeah.